पत्र 11 जिसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ दक्षता में दे रखे हैं कि क्या सीखने वाले हैं हम यहाँ, समानार्थी शब्दों को पहचानना और लिखना। तो हम यहाँ बेसिकली क्या सीखने वाले हैं, समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उन्हें पहचानेंगे, उनका मिलान करेंगे, उन्हें लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। तो यहाँ उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलान करना है दिए गए शब्दों का। जैसे यहाँ पक्षी का मिलान करके बता रखा है खग से, पक्षी का समानार्थी शब्द क्या है, खग। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हम मिलान करेंगे बिजली, तो बिजली का समानार्थी शब्द हो जाएगा यहाँ दामिनी। पानी जल, हवा पवन, चंद्रमा चांद, मित्र दोस्त, बेटी पुत्री। इसी तरह से कान कर्ण, खुश प्रसन्न, मनुष्य मानव, पर्वत पहाड़, बादल गगन, मेघ, आकाश गगन, चतुर, चतुर का हो जाएगा चाला। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करके। ये वर्कशीट पहले भी बहुत बार आ चुकी है, अगर आपने केयरफुली अगर किए हैं सभी गृह कार्य तो आपको ये फटाफट से याद आ गया होगा कि इस तरह की वर्कशीट पहले भी आ चुकी है, तो आप फटाफट से इस वर्कशीट को कर पाएंगे अगर आपने कर रखी है पहले, तो नहीं तो अदरवाइज मैं आपको आंसर बता ही रही हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ शब्द दे रखे हैं जिनके आगे चार चार शब्द दे रखे हैं, हमें उनके समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाना है। जैसे आकाश का समान अर्थ वाला शब्द है यहाँ गगन, तो गगन पर गोला लगा रखा है। इसी तरह से देखेंगे नेक्स्ट, स्वतंत्र आजाद, तो आजाद पर गोला लगा देंगे। पुष्प फूल पर गोला लगा देंगे। दुनिया जग पर गोला लगा देंगे। वृक्ष पेड़ पर गोला लगा देंगे। सूचना खबर पर गोला लगा देंगे। आग अनल पर गोला लगा देंगे। प्रसन्न खुश पर गोला लगा देंगे। दरवाजा किवाड़ पर गोला लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ दो दो शब्द दे रखे हैं, उनमें से एक करेक्ट शब्द को फिल करना है हमें दिए गए रिक्त स्थान में। जैसे यहाँ कह दे रखा है राघव अपने रिक्त स्थान के साथ विदेश गया है। स्त्री या पत्नी किसके साथ विदेश गया है, पत्नी के साथ में, तो यहाँ पत्नी को लिख दिया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, गीता ने समय पर ना पहुंच पाने के लिए रिक्त स्थान प्रकट किया। क्या प्रकट किया, खेद प्रकट किया जाएगा। शोक दुख में प्रकट होता है, समय पर ना पहुंच पाने के लिए खेद प्रकट किया, यहाँ खेद लिख देंगे। समय पर स्कूल आना सभी के लिए क्या है, अनिवार्य है। हम आपसी रिक्त स्थान से ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। किसके सहायता से या सहयोग से, आपसी सहयोग से ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, जैसे शरीर का हो गया देह, इसी तरह से लिखेंगे सूर्य का सूरज, दिनकर भी लिख सकते हैं, मनुष्य का मानव, फूल का पुष्प, चांद का चंद्रमा, वृक्ष का पेड़, पुत्री का बेटी। इसी तरह से बाघ का व्याघ्र, आँख का नेत्र, जल का पानी, पुत्र का बेटा, आँख का अनल, माता का जननी, और पहाड़ का लिख देंगे पर्वत। ठीक है, इस तरह से आपको इनके सामने ही लिखना है, मैंने जगह नहीं थी तो इसलिए आपको बड़े बड़े अक्षरों में बता दिया है कि ये लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट होती है आपकी आज की वर्कशीट 11। तो ये था आपका आज का गृह कार्य। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के